नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे कि इग्नू के अंदर अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई अगर आप MBA या फिर PhD या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप अपनी ग्रेड कार्ड को कैसे देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मोजिला या जो भी आपका ब्राउजर है उसको खोलें। खोलने के बाद आप URL भी डायरेक्ट डाल सकते हैं या सर्च कर सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हालांकि इसका ये होता है, इसका जो URL है वो ignu.ac.in है। कोई भी सर्च पे क्लिक करने से पहले उसका URL देख लीजिए, उसका डोमेन देख लीजिए, डोमेन के, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे फर्जी डोमेन दिख रहा है। जैसे दिख रहा है इग्नू स्टडी सेंटर बिहार, दिख रहा है आपको ये सब चीज़ें दिख रही है, इग्नू हेल्थ डॉट इन। तो ये जो है ये सब डिफरेंट डिफरेंट इग्नू की रियल वेबसाइट नहीं है, अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स है जो इग्नू के ऊपर इंफॉर्मेशन बेस्ड है। लेकिन इग्नू एसी डॉट इन, देखिए जब भी कोई कॉलेज की वेबसाइट खोलती है तो मोस्टली जो कॉलेज है वो अपनी वेबसाइट का URL ac.in रखते हैं। AC मतलब कि एकेडमिक और इन मतलब इंडिया, ac.in। ऐसे आप अगर ORG खोलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, gov.government का साइट है। तो URL से ही पता चलता है कि ये साइट जो है किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मैं इसको खोलता हूँ। खोलने के बाद आप यहाँ स्टूडेंट सपोर्ट में जाइए, स्टूडेंट जोन में। उसके बाद अब यहाँ पे आपको ग्रेड कार्ड का कोई नहीं दिखेगा, लेकिन आप जाएंगे रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स पे गए और यहाँ पे लेकिन आपको देखना तो ग्रेड कार्ड है, पर रिजल्ट्स में ही आपको टैग मिलेगा ग्रेड कार्ड का, क्योंकि इसमें देखिए रिटर्न ग्रेड कार्ड को रिटर्न हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट क्या है, ये पूरा आपको यहाँ दिख रहा है। उसी में आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रेड कार्ड। और यहाँ पे अब इसमें आपका BCMCA इसको ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए BCMCA वगैरह है, यहाँ पे आपका BDP BA BCOM है। तो आपका अगर इसमें से है तो आप इन यूआर पे क्लिक करें, लेकिन मैं जो देखना चाह रहा हूँ MA का है वो है MPS पॉलिटिकल साइंस। तो मैं अदर प्रोग्राम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी प्रोग्राम को सिलेक्ट करूँगा, जो भी मेरा प्रोग्राम है उसको। MPS और यहाँ पे अपना URL को डाल देता हूँ और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पे आपने जो जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट, आपके असाइनमेंट्स। देखिए यहाँ पे एक असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं चला हुआ है, तो हो सकता है असाइनमेंट्स का रिजल्ट चलाया नहीं है, तो आप असाइनमेंट की रिसीविंग और ग्रेड कार्ड का फोटो लेके स्टडी सेंटर में जाके कंप्लेन करें तो ये चला देंगे। फिर आपके पास जो जो कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब कि इसमें आपका कंप्लीट है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपका जो रिजल्ट होता है वो 100 पे होता है, चाहे 50 नंबर के पेपर दे पर यहाँ पे चलता है 100 की है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 50 नंबर का पेपर था, 50 में आपने 30 लाया तो यहाँ पे आपको 60 दिख रहा है, क्योंकि आपका 30 डबल होके 60 हो गया, तो आपका मार्क्स यहाँ पे डबल हो जाता है क्योंकि वो 100 के पैटर्न पे चलता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।